हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जो कि सॉल्यूशंस मैं ही जोत पर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल लॉ है। इसमें कोई भी आप लोग कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। इससे पहले मैं बताऊँ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है। बेसिकली ये इसमें क्या डिफाइन किया गया है, तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशंस को डिफाइन किया गया है कि बॉडीज जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं। तो होती कैसे हैं वो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ लॉ के थ्रू। इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, देन द टू सिस्टम विल ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जैसा कि आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे, कोई बॉडी है, मैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट और दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम है, जैसा कि इसमें अभी ये दिखा रही हूँ, जो मैंने ये इमेज जो है इस टाइप की इसमें बता रही हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है हमारा, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट हमारा जो दूसरा आया है ये ऑब्जेक्ट सी है, ठीक है। अगर पहला ऑब्जेक्ट हमारा ए है वो सी के साथ में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, और ए है हमारा बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो क्या होगा, ऑलरेडी तीनों आपस में एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, जैसा कि आपको बता रहे सॉरी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगी विद थर्ड सिस्टम, तीनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी, ठीक है। जैसा कि आपको मैं आगे ये जो मैंने बताया है इसी को आगे इंग्लिश में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ऑब्जेक्ट If object A is in thermal equilibrium with object C and the object B is separately in thermal equilibrium with object C, then the object A and B will be remain in thermal equilibrium if they are placed in thermal contact. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आगे भी मैं आपको वीडियोस देती रहूँ।